हेलो एवरीवन, आज हम रेजिन की ट्रे बनाने लगे हैं। इसके लिए हम मैंने ट्रे का मोल्ड, हैंडल्स का मोल्ड और रेजिन की एक किट ली है। इसमें रेजिन एंड हार्डनर दोनों हैं। आप कोई भी, आप मार्केट से किसी भी किट को ले सकते हैं, उसके ऊपर रेशोज लिखी होती हैं। तो इसकी रेशो 3:1 की है बाई वेट। अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है, सी आई एम हैविंग दैट, बट अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है, आप मेजर करके भी डाल सकते हैं, स्पून्स के साथ भी आप मेजर कर सकते हैं, बट वेइंग मशीन वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। सो आई एम गोइंग टू मिक्स 3 स्पून ऑफ रेजिन एंड 1 स्पून ऑफ हार्डनर। 3:1 रेशो, अगर आप 6 स्पून लेते हैं देन 2 स्पून आपको जो है हार्डनर का मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने का मेथड है, आपको 5 मिनट्स कम से कम इसको मिक्स करना है। आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए, कोई भी आपको इसके स्पून्स मिलते हैं आप उनसे भी मिक्स कर सकते हैं। 5 मिनट मिक्स करने के बाद आप इसको कुछ टाइम के लिए इसको पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो सेट हो जाते हैं इसके बाद। सो, अभी मैं इसमें हार्डनर मिक्स करूँगी, 1 स्पून ऑफ हार्डनर। एंड जब मैंने इसमें हैंडल्स में किया था तो मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स नहीं किया था, तो इसको थोड़ा सा जब ड्राई हुआ था तो, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सेट हो चुका था। तो प्लीज़ इसको मिक्स बहुत अच्छी तरह कीजिए। आप वुडन स्टिक से मिक्स कर सकते हैं, और अपने हैंड्स का भी ध्यान रखिए, इसको टच नहीं कीजिए, बिकॉज ये काफ़ी स्टिकी सब्सटेंस रहता है, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करके आप ग्लव्स पहन सकते हैं। सी आई एम गोइंग टू पुट सम स्पार्कल फ्लेक्स इन दिस। आपको जो कलर पसंद है, जो आपने मेथड सोचा हुआ है कैसे बनाना है, सो दिस इज़ क्वाइट वेरी इजी एंड दीज ऑल मटेरियल इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम अमेजोन, और आपको यहाँ स्टेशनरी शॉप पे भी इजीली मिल जाते हैं। आजकल रेजिन का मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है। आप इसको धीरे से अपना उसमें मोल्ड में पोर करेंगे इसको। इफ़ यू वॉन्ट टू मिक्स एनी कलर इन दिस यू कैन, बट मुझे ये ट्रांसपेरेंट हैंडल्स चाहिए थे। रेजिन एटलीस्ट 24 आवर्स, ये कुछ आवर्स बाद सेट हो जाता है, बट इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए 24 आवर्स चाहिए। दैट इज वेरी ईजी एंड अमेजिंग आर्ट। नाउ अभी इसको 8 to 10 आवर्स बाद मैं इसको, अभी ये हार्ड तो हो चुका है लेकिन अभी इतना मतलब इसमें स्टिफनेस नहीं आई है, सो ये 24 आवर्स बाद अच्छा स्टिक हो जाता है। आप इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। ट्वेंटी फोर आवर्स बाद इसको रिमूव कर लीजिए एंड इट कम्स आउट वेरी नाइसली एंड वेरी ईजीली। सिलिकॉन मोल्ड बहुत ईजीली आप उसको कैसे भी आप उसमें से निकाल सकते हैं। सो बोथ हैंडल्स आर रेडी। हैंडल्स में स्टार्टिंग में मेरे से इस बार मिस्टेक हुई कि मैंने अभी थोड़ा इसको बहुत जल्दी निकाल लिया, मुझे 24 आवर्स एटलीस्ट वेट करनी चाहिए थी। अब ट्रे बनाने के लिए मैं वेइंग मशीन से कर रही हूँ, इसको मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये 163-164 आ रहा है, तो मुझे इसका थर्ड जो है पार्ट लेना है। ये रेजिन है, अब मैं इसमें जो मिक्स करके उसका जो थर्ड पार्ट है उसको मिक्स करके प्लीज़ उसको 220 के अप्रॉक्स अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करूँगी। यू हैव टू मिक्स इट एटलीस्ट 5 मिनट्स सो दैट कि इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो जाए। मिक्स इट वेरी नाइसली। इफ यू वॉन्ट टू पुट फ्लावर्स ऑन एंड ट्रे यू कैन, आप फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं गोल्डन स्पार्कल और ब्लैक कलर का ट्रे का बनाना चाह रही हूँ। तो आप उसमें अगर आप पहले फ्लावर्स या कुछ भी आप स्टिकर्स या कोई आप रखना चाहते हैं, आप अपना नेम प्लेट भी बना सकते हैं इस मेथड से। आप स्टिकर जो है मार्केट से लेके अपने नेम का, और देन उसके ऊपर आप रेजिन को स्प्रेड कर सकते हैं। इसको स्टिक के साथ आप स्प्रेड करते जाइए। अब मिक्सचर मैं दोबारा बना रही हूँ। मैंने 2 or 3 टाइम लाइक इसका मिक्सचर रेडी किया था, बिकॉज मुझे अभी, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये ट्रे बनाई है,
तो मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना इसमें रेजन लग जाएगा। मेरा अप्रॉक्स ये बॉटल पूरी ही लग गई है, थोड़ा सा बचा है, इसमें कुछ एक दो और आर्टिकल्स मैं बनाऊँगी। बट आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव ट्राइड इट फर्स्ट टाइम, लाइक ट्रे तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, की रिंग्स वगैरह हम बना चुके हैं पहले, की रिंग के भी मोल्ड्स आते हैं एंड द मेथड इज क्वाइट सेम। सो आई हैव पुट कलर इन दिस, रेजिन का कलर अलग आता है, ये लिक्विड फॉर्म में है, कुछ पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, तो ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में कलर था, तो मैं ऑलमोस्ट सारा जो लाइट कलर एक तरफ स्प्रेड करके आई एम पुटिंग ब्लैक कलर हियर। ये भी रेजिन ही है, रेजिन को वही सेम वेइंग उसमें करके, मैंने वेइंग मशीन पे करके, एंड नाउ आई हैव पुट ब्लैक कलर इन दैट। सो यू कैन अरेंज योर हैंडल्स, आप इसको ट्रे को सूखने के बाद भी रेजिन के साथ आप हैंडल्स को ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें भी रख के कर सकते हैं, बट इसमें रख के करने वाला इट्स दैट वाज रियली वेरी ट्रिकी, बहुत टाइम बाद जाके ये सेट हुए थे, तो मुझे फिर बाद में रहा कि जब हमारी ट्रे सूख जाती है तो उसके बाद हम ऊपर उसको रेजिन के साथ अलग से पेस्ट कर सकते हैं। सी द ट्रे इज ड्राइड नाउ एंड इट कम्स आउट वेरी नाइसली, 24 आवर्स बाद इसको आप ट्रे को निकाल लीजिए, योर ट्रे इज़ रेडी एंड यू कैन सर्व योर एनीथिंग टू योर गेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।